तू तो सच में पढ़ने लग गया। अच्छा बेटा ये बताओ तुमने कंपोस्ट बनाया कैसे? देखो सर, मैं रोज आम के पेड़ के जड़ में दोनों टाइम टट्टी और पोटी करता था, इसी खाद से ये आम का पेड़ बड़ा हुआ है और ये आम निकला है। अब खाकर पता चला ना कि मेरे ऑर्गेनिक खाद से उगे हुए इस आम का स्वाद कितना अच्छा है। क्या? हाँ सर, देखा आपका पढ़ाया हुआ काम आया ना। और सर एक और एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहा है बे? सर ने क्लास में ये भी पढ़ाया था कि अगर पानी नमकीन हो तो वह जल्दी जम जाता है। ये तो मैंने बताया था। तो मैंने शिकंजी वाले बोतल में अपना नमकीन पेशाब भरकर फ्रिज में रख दिया है, अब देखता हूँ वो कितनी देर में जमता है। क्या? किस बोतल में रखा था? अरे इसी बोतल में तो भरकर रखा था, किसने खाली कर दिया? क्या? भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो जाए, मैं दुनिया से अब ना डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। राजू तुम अपनी हद से ज्यादा बदतमीज होते जा रहे हो, आने दो आज सर को, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। क्या कंप्लेंट करोगी? अदला हमें भी तो बताओ। यही कि राजू मुझे हमेशा छेड़ता रहता है और अब तो अश्लील हरकत भी करने लगा है। जाओ जाओ कर देना, सर तो खुद लाली मैडम के चक्कर में पड़े रहते हैं, अगर उन्होंने कुछ ऊपर नीचे किया तो सीधे जाकर प्रिंसिपल को बोल दूंगा। बच्चों क्यों शोर मचा रहे हो, शांति के साथ बैठो। लाली मैडम, राजू मुझे छेड़ रहा है, ये क्या सुन रही हूँ मैं राजू? लाली मैडम, मैं बबलू के टकले की कसम खा के कहता हूँ कि मैं शीला को नहीं छेड़ रहा था। ताले कदम खानी है तो अपने पितवाले की कदम खा के बोलना। धोती कदम खाकर मेरे इकलौते टकले को खटोले में क्यों डाला है?